हेलो जी, राम राम जी। सारे ने उम्मीद करूँ कि सारे ठीक हो गए। स्वागत है आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो सारे ठीक हो गए मेरे की डाला, क्योंकि मैं तो आ रही हूँ अपने घर ने। तो सारे ही तो फर हो गई, मतलब लाड देखो ऐसा मेड़ा लग गया है। कोई सिलाई का बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई टेलर मास्टर बन रहा है, कोई हलवाई बन रहा है, तो कोई कुछ बन रहा है। तो मैं एक बार दृश्य दिखा देती हूँ आप सभी को। यो देख लो, यो तो बिरन के जलेबी ही तारा है। अरे यही शाना ब्लैक बोर्ड को बेरा निकल लिखन लाग रही है। और वे दो बच्चे बाहर खड़े केक रहे हैं। अरे हमारी दीशु, अरे भाभी टेलर बन रही है। अच्छा ये दो छोरी सीखना है अगर मशीन आए कि मैं सिखावे भी है ना सिखांदी आए आवे कि मैं हाँ सही सिखा लाग रही। तो आइसक्रीम वाला आ गया, ये बाज लिए है। तो सारे बालक नु कहे हमने कुछ खाना है, कुछ खाना है तो मैं रुक जाओ, मैं तारा खातर पूड़े बनाऊ, मैं डट जाओ। तो मैं इनती बना दी हूँ पूड़े। तो पूड़े करण खातर मैंने पहला वा चाशनी सी बना ली है, पानी में घोल के चीनी, गुड़ के तो बनाए नहीं मन, तो चीनी के बढ़िया लग गया करे। तो वो चून सा घोल दी हूँ, ताट दी हूँ इनती कच्चा पाका रोट खा लेंगे बालक। हाँ तो जी देख लो, मैं बना लग गई हूँ इनती पूड़ा का, यो रागड़ी सी तैयार करने लग गई हूँ चून घोल के। तो मैंने इसमें चाशन की बना ली थी, अचून थोड़ा सा कमे पड़िया से गाठ सी पड़ेगी मेरा, नहीं क्यों करके करूँगी, देखा करांगे कि मैंने कि मैं इंतजाम करूँगी। अरे पतला हो गया तो पूड़े तार दूंगी ठीक से, वह कहानी आड़ी करूँगी मैं। अरे अचून इसमें घेर दूँ हाँ तो जी सारे बच्चे ले आए हैं आइसक्रीम। हमारी दीशु कहाँ रह गई? दीशु वेयर आर यू बाबू, देखो आप अच्छे रह खड़ी। तो मन ना कौन सा आइसक्रीम देगा उससे मैं पूड़े खुआऊंगी। देरे सारे जने भाजी आए हैं पूड़े खाते, चल मैं ले रही हूँ दो मिनट रुको। तो पूड़े का होने लग गया चून रेडी, इसमें थोड़ी पड़ गई है गाठ, पर मैं पूड़ खुमानूंगी ये गाठ, क्योंकि मम्मी होती तो आड़ी बे कहानी सुना दे। मम्मी ने सोचा इन छोरियन की मैं ना आंदा नू ना बेरा छोरियन सब की मैं आवस। हाँ तो जी पूड़े तारण खतर से, तो पहले मैंने चून कर लिया रेडी, उसके बाद इस तवे पे तेल गिर दिया थोड़ा सा, ये बना दो फटाफट पूड़े। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है। कर दियो बोलो। तो गाइस आज हमारे घर पे बनने वाला है पूड़ा। प्लेट दिया प्लेट। हाँ तो जी मैंने बना दिया है गरम गरम पूड़ा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की जिद थी कि हम पूड़ा खाओगे, देख ले क्यों करे भिड़बड़ान लग रही है माखिया की डाला। रुक जाओ देती हूँ देती हूँ, पहले पहले है ना दीशु का होगा, पहले छोटी है ना दीशु, दीशु का पहले दीपांशु और दीशु का। ओ कैसा लगा दीशु? अच्छा लगा, खा ले मेरा बेटा, मेरा बेटा ना बहुत अच्छा लग गया मेरा पारा बेटा ने। हाँ तो जी हम जावा डिग्गी में पानी लेने, जी तो मतलब कसुती भीड़ लग गया करती थी, तो इब देखेंगे उठ जाकर, मैं तो कई दिन हो गई गई ना हूँ, तो रास्ता मिल गई सरोजी नु का घूमने क्या इतना आंधी, तो मैं खा सेहत घनी डाउन हो जाएगी जा तो घूमने ना आंदे। सरोजी और क्या हाल है? सरोजी क्या हाल है? क्या हाल है? सरोजी के लिए आई आलू, ले आई आलू ले आई है बनानी है सब्जी, दवाई भी ले आई डॉक्टर दवाई। क्या हो गया? वो काम था मैडम की ले आई। अच्छा बीमार हो रही है? ठीक है चल चाह पिया देगी के? चल तो बना के चाह पियाइए। नहीं मजाक करो मैं सरोजी,
ना चल आज तेरे घर पे चलेंगे, आज देखते हैं कैसा काम करती है सरोज जी। चलो सरोज जी यार आ गया मौसी का घर ने, तो ये बालका की हो रही है साइकिल आपको सुती लड़ाई, और भाभी हर जा रही है अपने मायक है मौसी भी रहने की जा रही है, पानी लेने जा रही की जा रही है। तो ईशाना देख लो आड़ आती है उधम स्थान लगी है, और वे चूजे थे उनने बेचारिया ने बिल्ली खा गई शायद, है ना, तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ, बहुत दुख आया सच्ची बताऊं बात। हाँ तो जी हम डिग्गी में लेना रही थी पानी, तो आड़े बच्चे देख लो रेडी पे चढ़े हैं चूड़ी पे चंगी ये छोरी, तो गुड़िया अपनी चूड़ी देखने लगी है। गुड़िया आई कोई पसंद है? आई है ईशाना बेच के दिखा दे चूड़ी ना बेटा, ऐसे नहीं करते बाबू। हाँ तो जी हम पहुंच गए हाँ डिग्गी में, तो यहाँ का एक बार मैं दृश्य दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा नजारा है, कितने वृक्ष ही वृक्ष हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा नज़ारा है, देख लो कितनी बड़ी डिग्गी है। चलो अंदर चलांगे एक बार, यार को सुती भीड़ होया करती। तो डिग्गी में हमारे बालक देख लो कैसे सुनसान, वो कहते हैं खूंखार भेड़िया नहीं होता है, ऐसे घूम रहे हैं बच्चे देखो, यो किंचु देख लो इनका कती डर नहीं लगता, अकपड़ जावांगे डिग्गी में। तो उड़ा हम पानी लेकर आया करते थे, उड़ लागया करती को सुती भीड़, लेकिन ई भी इतनी ना लागती अड़े भीड़, ई तो थोड़ा कम ये लग गया है, क्योंकि पहले तो इतनी भीड़ लागया करती, मतलब एक डेढ़ घंटा में नंबर आया करता। चलो अब वहाँ चलते हैं एक बार, या देख लो कितनी बड़ी डिग्गी है, तो आड़ा हम उसके पाछे ने खेला करते, वो के क्या के सीढ़ी है के लुकम छिपाई ना, वो सीढ़ी वो क्या है दो खाने रे नाम भी भूल गई, तो खेलन का दे वो सीढ़ी सी होया करते, मेरा उसने कहा तो करते के क्या करते, तो वो खेला करते हम उसके पीछे न। यह डिग्गी है और वो मेरा स्कूल है, उसमें मैंने 10वीं पास आउट करी थी, मतलब स्कूल की याद थोड़ी सी ताज़ा होगी, मैं जा नहीं सकती क्योंकि थोड़ा मैंने डर लग गया, एक लेना बहुत बड़ा स्कूल है, जाती ना तो कुछ याद है ना ताज़ा हो जाती। जो देख लो किंचु शैतान अरे पेड़ चढ़ गया, उतर ले भाई टूट जाएंगे हाथ पा टूट जाएंगे, उतर लो उतर ले किंचु। मारा नंबर आ गया है, और ये बालक देख लो कड़ा है चलाने की मारी, तो ये नौका मैं चलूंगी, अरे इनका मुंह पर लगेगा खींच कर जा कर कती, पानी पिया दो इसने, इस नलका पर कुछ उतनी भीड़ होया करती, तो इतनी भीड़ को है उतनी, तो ये अपने मम्मी बेटा भरन लगे है पानी, ईशाना चलाओगी कड़ा, ईशाना का नंबर आ गया। हाँ तो जी पानी तो हम ले आए हैं, तो सारे की रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करा करो, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दिया करो, जब वीडियो अच्छी लगती हो तो साथ में कमेंट जरूर करा करो कि वीडियो किसी लागे है तो बताया करो, थोड़ा सा इंस्पायर हो जावा, थोड़ा सा मोटिवेट हो जावा, और जहाँ तक हो सका तो वीडियो ने पूरा देखा करो, इतनी मेहनत व्लॉग बनावा हाँ आपके खातर, तो वीडियो ने ना प्लीज़ पूरा देखा करो। तो मैं तो अपने सूट लिया ही नहीं हूँ, तो कल तो देखो कल सिलाई करूँगी, एक आधा सूट सिमूँगी, मैंने एक भी सूट नहीं सिमया है, मैं यूँ सोचूँ एक बार मैं रेडीमेड ले आऊँ, क्योंकि मैं वैसे तो बतेरी है मेरे पास सूट, तो मैंने सोचूँ घड़े सूट तो सच्ची मैंने बोर होगी, मैंने सोचू एक बार ये पार्ट जाएंगे ना फिर ये सीमूँगी, तो एक दो मैं देखूँगी रेडीमेड लेता हूँ। हाँ तो जी आज भाभी ने बना दिए नमकीन चावल, हाँ मतलब चावल ज़्यादा खाया करा बिहारी है समझ के चल लो हमने। मेरे पापा हो आए गंजे अरनो का है सुतरा लगू मैं माँ कति सुतरा लग गए पापा दिखाई पापा पापा कति हीरो वर्गा लग गया कति सलमान खान ने भी फैल करा पापा सच्ची में ही दीदी सुन भी हंसी आई है रे सलमान खान और तेरा पापा तेरा नाना भी ना क्या कहा करता नो कहा करता मैं तो अमिताभ बच्चन लागू सच्ची में अमिताभ बच्चन पापा खड़ा है फोटो वे है पापा फोटो तेरी माँ ने मेरा किधर रखे थे सारे सारे आए थे मेरा पापा का सूत अमिताभ बच्चन का है ना उसने फैल कर रहा है तीनों ही सासुतरा हीरो बरगा लागे ना कोट पैंट पहन के पहले जमाने में कित कोट पैंट होया करते पापा को सूता माचया करता ये दिशु क्या का है बोलिए बाबू
दिशु नु कहना ना कसुत्ता माचा करता। हाय दिशु के पढ़ा बेटा यो किंशु देख ले क्या बनाओ किंशु हाथ उठाना बेटा क्या बना रहे हो नाम अच्छा नाम लिख कर यो मेरा भतीजा देख लो किंच यो प्रतीक प्रतीक तो नहीं पढ़ता बेटा तू किस अलग प्रतीक तना कौन सा एक्टर पसंद है प्रतीक बता प्रतीक है कौन सा हीरो पसंद है तने बता जल्दी नाम बता फटाफट नाम बता दे जल्दी बता दे जो तने पसंद हो उसका नाम बता दे फटाफट जल्दी 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 बताओ सलमान खान किंचू तना बता राजू बाबू राव अच्छा दिशु आपको कौन सा पसंद है दिशु को तो पता ही नहीं एक्टर क्या होता है ईशाना बताए ईशाना आप बताओ के? कौन सा एक्टर पसंद है बेटा तने मतलब? पागली से एक्टर का मतलब भी नहीं हीरो हीरो का मतलब हाँ सुतरा हीरो का मतलब प्रतीक हीरोइन कौन सी पसंद है यो बताओ सहरी बंदा यो चालू पड़ा थोड़ा सा देख ले यो सहर का यो थोड़ा चालू बंदा पड़ा है ये बच्चे थोड़े गांव के शरीफ लोग हैं है रे किंचु तू शहर का सुता चालाक बंदा की अरे शहर की जानकारी जानू है शहर की जानकारी शहर की जानकारी रख के जानकारी बता किसी का लड़ाई हो बंदा बेरा पाट जाए पल्ला पाट जाए पल्ला के बेरा पाट जाए है अच्छा कौन बता के जाता है दोस्त ओ तरी गए तेरे दोस्त भी होगी चाला पाट दिया तन तो छोरा के थी भैया हमारी दिशु एनआर लिख है आम लिख नहीं रही आम लिख दे बाबू